लेबनान में पेजर सीरियल ब्लास्ट के बाद बुधवार को एक बार फिर धमाके हुए। इसमें कई लोग घायल हुए तथा कई लोगों की मौत की खबरें हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये धमाके वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेज में हुए हैं। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक अब जिन कम्युनिकेशन डिवाइसेज में ये विस्फोट हुए हैं वे हाथ में पकड़ने वाले रेडियो सेट वॉकी टॉकी है। धमाके उस समय हुए हैं जब हिजबुल्ला के कमांडरों ने इन्हें हाथ में पकड़ा हुआ था। खबर है कि इन धमाकों में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। हिजबुल्ला ने पेजर्स की तरह ही ये डिवाइस करीब 5 महीने पहले खरीदे थे। शीर्ष हिजबुल्ला अधिकारी हासिम सफीदीन ने धमाकों को लेकर कहा कि हमारा संगठन बुरे समय का सामना कर रहा है लेकिन इसका खतरनाक बदला लिया जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरलेस रेडियो सेट हिजबुल्ला के लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। देश के दक्षिण हिस्से और राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में ये कम्युनिकेशन सेट फटे हैं। एक धमाका उस जगह भी हुआ है जहां हिजबुल्ला द्वारा पेजर ब्लास्ट में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। बता दें कि मंगलवार को लेबनान और सीरिया में एक साथ कई शहरों में पेजर ब्लास्ट हुआ था। सैकड़ों पेजर करीब घंटे भर के अंतराल में फट गए जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है और करीब 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इस पेजर हमले के बाद हिजबुल्ला ने इसराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस साजिश के पीछे उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है, जिसके बाद हिजबुल्ला ने बदला लेने की कसम भी खाई है। इस पेजर ब्लास्ट में मुख्य टारगेट बेरूत रहा। बेरूत के दहिया, बेक्का, नबातिया, बिंद जबैल, दक्षिणी बेरूत और दक्षिणी लेबनान के खास इलाके टारगेट पर रहे। सीरिया के कई इलाकों में भी करीब 100 धमाकों से हड़कंप मच गया। पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्ला सांसद अली अम्मार का बेटा भी मारा गया। साथ ही लेबनान में ईरानी राजदूत मुस्तफा अमानी को भी चोटें आई हैं, उनकी आंख में गहरी चोट लगी है। वहीं हिजबुल्ला की धमकी के मद्देनजर इसराइल अलर्ट पर आ गया है। इसराइल ने लेबनान से सटे बॉर्डर पर करीब 20,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हरजोग ने बुधवार सुबह सुरक्षा ब्रीफिंग के लिए मुलाकात की। इसके अलावा इसराइली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हर्जी हलेवी ने भी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ बैठक की। उन्होंने जल्द से जल्द आक्रमण और रक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। नागरिकों को सतर्क और सहज रहने के लिए भी कह दिया गया है। हालांकि इसराइली सेना ने लेबनान में पेजर विस्फोटों के बारे में सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। इसराइल ने दक्षिणी कमान के तहत गाजा पट्टी में महीनों तक चले ऑपरेशन के बाद अब IDF के 98 डिवीजन को उत्तरी इसराइल में तैनात करने का फैसला किया है। ये फैसला हिजबुल्ला के साथ बढ़ते तनाव के बीच लिया गया है। पैराट्रूपर्स और कमांडो डिवीजन अब उत्तरी कमान के तहत 36वें डिवीजन में शामिल हो जाएंगे। लगभग 20,000 सैनिकों वाले 98वें डिवीजन को अगस्त के अंत में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस से वापस बुला लिया गया था।